भाई यूपी T20 लीग का आगाज हो चुका है और क्या आगाज देखने को मिला भाई। यूपी T20 का ये दूसरा सत्र खेला जा रहा है जहां पर पहले ही मैच में रिंकू सिंह ने 350 के स्ट्राइक हिट से मैच को फिनिश किया। अगले मैच में ध्रुव जुरेल की धमाकेदार पारी देखने को मिली और अब समीर रिजवी का आतंक भी यूपी T20 में देखने को मिल चुका है। समीर रिजवी नाम याद है ना? जी हाँ, ये वही समीर रिजवी है जिनको IPL 2024 के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 8.4 करोड़ रुपये देकर अपने साथ जोड़ा था। मेरठ के समीर रिजवी T20 स्पेशलिस्ट हैं और लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। इस बात का सबूत उन्होंने यूपी T20 लीग के मुकाबले में भी दे दिया। फिलहाल वो कानपुर सुपरस्टार्स के कप्तान के तौर पर नजर आ रहे हैं। कानपुर का मुकाबला लखनऊ फल्कन के बीच खेला गया था जहां पर कानपुर की स्थिति बहुत ही खराब थी। एक समय कानपुर ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 50 के मामूली से स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद कप्तान का आतंक देखने को मिला जहां पर उन्होंने 5 छक्के और 8 शानदार चौके जड़ते हुए केवल 51 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी खेली और कानपुर के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आए। जी हां, समीर रिजवी ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि T20 क्रिकेट में उनसे बढ़कर पावर हिटर इस वक्त कोई नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है वो वाकई में काबिल तारीफ थी। क्या कुछ इस मैच में वो आपको विस्तार से बताते हैं। लखनऊ फल्कन्स ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की गेंदबाजी इतनी शानदार थी कि कानपुर ने 50 के मामूली से स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए। ऐसा लग रहा था कि ये टीम 100 का स्कोर भी नहीं छुपाएगी, लेकिन कप्तान रिजवी ने मोर्चा संभाला और टीम को एक मजबूत स्थिति में ले गए। रिजवी ने महज 51 गेंदों पर 5 छक्के और 8 चौके जड़ते हुए 89 रनों की शानदार पारी खेली और कानपुर ने 156 रनों का स्कोर बोर्ड पर लगाया। इन 156 रनों में 89 रन समीर रिजवी के थे और 16 रन अतिरिक्त के थे। जी हां, 89 रिजवी के, 16 अतिरिक्त के। अब देख लीजिए बाकी टीम ने क्या किया। बाकी टीम की टाए फिस नजर आई, बोलती बंद नजर आई, क्योंकि जिस तरीके समीर रिजवी ने बल्लेबाजी की, अगर वो 89 रन ना आते तो वाकई में कानपुर की टीम 100 रन का आंकड़ा भी नहीं छुपा थी। हालांकि 157 रनों का लक्ष्य लखनऊ के सामने था और टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी और 3 रन से मुकाबला हार गई। लखनऊ की ओर से समर्थ सिंह ने 29 और कप्तान प्रियमगढ़ ने 31 रनों की पारी खेली। यानी कि समीर रिजवी ने सिंगल हैंडली अपनी टीम को यह मुकाबला जिताया। IPL 2024 में उनको ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। 8 मैच खेलने का मौका मिला, 5 बार बल्लेबाजी आई, हालांकि उस तरीके से अपने नाम के अनुरूप वो बल्लेबाजी नहीं कर पाए। केवल 51 रन उनके बल्ले से देखने को मिले, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 118.29 का था। डेथ ओवर्स में बैटिंग करने आते थे, वहां पर आके जिस तरीके से उन्होंने छक्के लगाए वो वाकई में काबिल तारीफ था। और जब इनका डेब्यू हुआ था तो उन्होंने अपना डेब्यू राशिद खान की गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाते हुए किया था। IPL की अपनी पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था और जिस तरीके से शुरुआत देखने को मिला है, और कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नज़र आ जाते हैं, वो सब कुछ अभी समीर रिजवी की बैटिंग में देखने को मिल रहा है। और इस बैटिंग के बाद, इस पारी के बाद निश्चित रूप से चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सर के बाल नोच लिए होंगे। समझ नहीं आ रहा होगा कि CSK समीर रिजवी को रिटेन करे या फिर ना करे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिटेंशन की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। IPL 2025 में मेगा ऑक्शन होने वाला है। अब चेन्नई किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगा ये अपने आप पे बहुत बड़ी सिरदर्दी है। धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जड्डू को रिटेन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, और इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम के खिलाड़ी ने ऐसी पारी खेल दी है। और अभी तो यूपी T20 शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सारी पारी आने वाली है। यानी कि अगर रिटेंशन लिस्ट आने से पहले समीर रिजवी अगर टॉप स्कोरर हुए या फिर छक्कों की ऐसी बारिश करते नजर आए तो चेन्नई सुपर किंग्स मजबूर हो जाएगी समीर रिजवी को भी रिटेन करने के लिए। समीर रिजवी की पारी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और क्या वाकई में चेन्नई सुपर किंग्स को समीर को रिटेन करना चाहिए या नहीं, इसकी राय भी हमें जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।